बीड, बिलिंग और कुल्लू मनाली के बाद अब हमीरपुर जिला के सुजानपुर में भी मानव परिंदे उड़ान भरकर मनोरंजन करेंगे। बाकायदा इसके लिए पैराग्लाइडिंग का ट्रायल सफल रहा है, जो कि सुजानपुर और हमीरपुर के लिए पर्यटन की दृष्टि से बेहतरीन कदम है। लोगों के द्वारा भी काफी लंबे समय से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से गुहार लगाई जा रही थी कि सुजानपुर की नगरी को पर्यटन की दृष्टि से उभारा जाए, और इसी के चलते अब अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयास रंग लाए हैं, जिससे जल्द ही सुजानपुर नगरी में पैराग्लाइडिंग की अटखेलियां करते हुए लोग दिखेंगे। डीसी हमीरपुर देवश्वेता वनिक ने भी पैराग्लाइडिंग साइट का प्रथम ट्रायल सफल रहने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि इससे हमीरपुर जिला के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय निवासी जगन कटोच ने बताया कि सुजानपुर में पैराग्लाइडिंग शुरू होने से पर्यटन बढ़ेगा, तो अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयास भी इसमें रंग लाए हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पैराग्लाइडिंग ट्रायल सफल होने पर लोग भी खुश हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अनुराग जी पहले भी स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा लोगों को उन्होंने सुविधाएँ प्राप्त करवाई हैं। अब इस नए एडवेंचर जो पैराग्लाइडिंग का आज जिस तरह आज पहली बार यहाँ पे हुआ सुजानपुर में, इसमें युवाओं काफ़ी खुश हैं कि इस तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। पहले भी उन्होंने काफ़ी खेलों को बढ़ावा दिया है, उनकी योजनाओं को लोगों को काफ़ी फायदा भी हुआ है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ इस नए स्पोर्ट्स के लिए। कुल्लू मनाली से आए हुए पैराग्लाइडर देव ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा आग्रह करने पर सुजानपुर में 2-3 साइट को देखा गया है, जिसमें से सुजानपुर में राजा संसार चंद के किले से साइट ट्रायल सफल रहा है। उन्होंने बताया कि किले से नीचे चौगान तक पहुंचने के लिए 5 से 10 मिनट का समय लगा है, और जब पैराग्लाइडिंग शुरू होगी तो इस समय को 15 से 20 मिनट तक बढ़ाया जा सकेगा। सर, हम लोग जो है माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी के कहने पर अपना सुजानपुर के लिए, उन्होंने पूछा हमारे से कि यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एडवेंचर के लिए कुछ हो सकता है तो आप एक बार आ जाए, उनके आग्रह पे हम यहाँ पे आए आज। तो हम लोगों ने यहाँ पे सुजानपुर में 3-4 साइटें देखी, जिसमें एक साइट में हमने अभी फ्लाइंग किया और वो बेस्ट साइट लगी हमें कि यहाँ पे ये जो लैंडिंग है बहुत ही बड़ी है, लैंडिंग साइट, तो लैंडिंग इतना तो पूरा हिंदुस्तान में नहीं हो, लेकिन जो यहाँ का जो टेक ऑफ और लैंडिंग जो हमने फ्लाइंग किया ये बेस्ट लगा हमें कि आगे के लिए यहाँ पे एडवेंचर का और लोगों को रोजगार का की संभावना हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ के कुछ लड़के जो भी अगर सीखेंगे कोर्सेज करेंगे तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का एक हब बन जाए। सर, ये तो हम तो जगह जगह फ्लाइंग करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे फ्लाइंग किया इसका टाइमिंग शायद थोड़ा कम था, 5-7 मिनट, क्योंकि अब हमारा फर्स्ट फ्लाइंग था। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फ्लाइंग करते जाएंगे तो हमारे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा क्योंकि थर्मिक कंडीशन में तो यहाँ पे 10-15-20 मिनट का भी फ्लाइंग हो सकता है। भाजपा सुजानपुर मंडल मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर ने भी पैराग्लाइडिंग साइट का सफल ट्रायल होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि पैराग्लाइडिंग टीम के द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद सुजानपुर के किले से पैराग्लाइडिंग की है, जिससे अब जल्द ही सुजानपुर में भी पैराग्लाइडिंग शुरू होने से लोगों को यहां पर पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों से ये सब संभव हो रहा है। आज का दिन सुजानपुर की जनता के लिए सचमुच में एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। आज केंद्रीय वित्त राज्य कॉर्पोरेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से सेंटर से एक पैराग्लाइडिंग टीम आई, जिन्होंने सुजानपुर का क्षेत्र वाइज से परीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने सुजानपुर के किले से पैराग्लाइडिंग के माध्यम से जंप किया और चौगान में लैंडिंग हुई, जो कि सफल रही। अक्सर अनुराग ठाकुर जी का मानना था कि सुजानपुर पर्यटन क्षेत्र के लिए एकदम उपयुक्त स्थान है, और अगर जिस क्षेत्र में पर्यटन होता है तो वहाँ पे रोजगार का भी होना स्वाभाविक है कि रोजगार वहाँ पर बढ़ेगा। अनुराग ठाकुर जी ने अपनी खुली आंखों से सपना देखा था सुजानपुर की जनता के लिए कि सुजानपुर एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरे, और आज उसके लिए अनुराग ठाकुर जी ने अपना पहला कदम पैराग्लाइडिंग की टीम को यहाँ भेज कर पूरा किया है, जिसके लिए सुजानपुर की जनता और सुजानपुर भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारी उनका तहदिल से धन्यवाद करते हैं। वहीं डीसी हमीरपुर देवश्वेता वनिक ने भी पैराग्लाइडिंग साइट का प्रथम ट्रायल सफल रहने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे हमीरपुर जिला के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने भी साइट की चेकिंग की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अब सुजानपुर नगरी से पैराग्लाइडिंग का आनंद लोग उठा सकेंगे। हमारे सुजानपुर उपमंडल में सुजानपुर फोर्ट के नजदीक एक लोकेशन से जो है
नीचे हमारा जो चौगान है वहां तक एक सफल ट्रायल का आयोजन किया गया है पैराग्लाइडिंग के, जो कि इस लोकेशन में पहली बार ये प्रयोग किया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि इंडियन पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पे आए और उन्होंने सफल ट्रायल करवाया। और इसमें इन ट्रायल्स को जारी रखना रखते हुए हम लोग ये अलग अलग लोकेशन से ये करते रहेंगे, और साथ ही जो जो इसमें नियम हैं, जो क्लियरेंसेस हैं, जो टेक्निकल इसमें जो कार्रवाई होती है उसको भी साथ साथ जो है हमने शुरू कर दिया है, ताकि अगर ये साइट फाइनली जो है ये सिलेक्ट होती है, ये सही मायनों में पूरी तरह से सेफ पाई जाती है पैराग्लाइडिंग के लिए, तो जल्द से जल्द हम टूरिज्म रिलेटेड इस एक्टिविटी को जो है अंजाम दे सकें। और फिर हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के लिए कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो है ये एवेन्यू जो है वो खुल जाए।